हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आज जो हम क्लास 10th का मैथ्स का जो है फर्स्ट वीडियो जो है, जिसके अंदर हम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये आपका जो है मैथ्स का फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन या जो कॉन्सेप्ट्स लिखा है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए नॉर्मली 8 कॉन्सेप्ट्स आपकी यूज होती हैं, जिसको हम वन बाय वन आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे, जिसके अंदर आपका फर्स्ट जो है नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या भी कहते हैं, ये आपका क्या होता है नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके जहां तक गिनती चलती जाती है वहां तक आप इसको लेके जा सकते हो। अब आगे सेकेंड जो है होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या भी कहते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 5 ये भी इसी टाइप से चलते जाएगी, बस इसमें एक्स्ट्रा डिजिट 0 आ गई है। अब आगे इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, इसमें 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव डिजिट्स भी हैं, 1 2 3 4 5 और नेगेटिव डिजिट्स भी हैं, जिसे ऋणात्मक संख्या भी कहते हैं। और इसमें 0 ऐसी संख्या है जिसे ना पॉजिटिव कह सकते हैं ना नेगेटिव कह सकते हैं। आगे आपके पास है फोर्थ जो पॉइंट है रैशनल नंबर्स, जिसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें क्या है, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपका इसके एग्जांपल्स क्या है, 3/4 7/5 -4/3 22/7 और 2/1। तो इस तरीके से ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपका p अपॉन q की फॉर्म में जिसको नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2 √3 and π। सिक्स्थ पॉइंट इज रियल नंबर्स, जिसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के टोटल डिजिट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका रियल नंबर्स। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 7, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसके अंदर हम एक सम के थ्रू या डिवीजन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें हमने एक एग्जांपल लिया, 31 इज ग्रेटर देन 5। अब हम क्या करते हैं, 31 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो हमें 5 6 30 आया और जो रिमाइंडर बच के आया वो हमारे पास कितना आया, 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 31 इक्वल टू 5 × 6 + 1। तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, 1 से क्या होता है छोटा होता है या 0 से ग्रेटर होता है, और जो आपका 5 यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं उससे हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इसको हम अगर जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जिसे हम थ्योरम भी कहते हैं लेम्मा को, उसके थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें क्या है, ये आपका बी, ये ए, ये क्यू, और नीचे क्या है आपका रिमाइंडर है। जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए और बी से स्मॉलर होना चाहिए। अब आपका जो नेक्स्ट 8th कॉन्सेप्ट है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है कि जब लेम्मा का यूज हम प्रैक्टिकली कोई सम्स करने के लिए यूज करते हैं तो हम उसे एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसके अंदर आपका क्या है कि HCF को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से हमने प्रोसीजर लेना है, सी इज ग्रेटर देन डी। अगर C D से बड़ा है तो फिर हमें ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, D से डिवाइड किया C को और यहाँ पर कोशेंट आपके पास आया और नीचे बच के क्या आया, रिमाइंडर। रिमाइंडर आया तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है और D हमारा क्या आ जाएगा, HCF। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर हम इसको क्या, D को यहाँ पर लिखेंगे और D को यहाँ पर लिखने के बाद हमारे पास जो है ये कोशेंट, इसको Q1 भी लिख सकते हैं। तो अगर इसमें से लेस करने के बाद यहां पर क्या आता है, रिमाइंडर बचता है तो हमें फिर आगे और करना पड़ेगा, और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो हमारा जो HCF आएगा वो क्या आएगा, आपका जो यहां पर डिवाइजर होता है।
तो इसमें यही बताया गया if r is equal to 0 then HCF will be divisor, यानी कि HCF क्या होगा, divisor होगा, यानी कि जो last की यहाँ पर digit होती है, और once again इसकी value वही remainder की 0 से d के बीच में ही vary करेगी। तो हम इसमें एक example first जो आपकी book का है उसको explain करने की कोशिश कर रहे हैं। Use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576। तो इसके अंदर हमें जो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करा है। ये हमने आपको यहाँ डिवीजन करके दिखा रखी है, क्लास में आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब इसमें 4052 छोटे डिजिट को बाहर लिखा, बड़े डिजिट को अंदर लिखा। अब इससे अगर 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12156 आ गया है। अब इसमें इसे लेस करते हैं तो आपको पता है 6 में 6 गया 0, 752 420 आ गया। अब ये डिजिट जैसा यहाँ पर हुआ था, डी को यहाँ लिख दिया था, इसी टाइप से आप इस डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे। और अब 420 9 जा 3780, तो इसमें से भी जब लेस किया 272 हमें आ गया है। अब आगे इसमें फिर 420 को इधर लिया, ऐसे इस प्रोसेस को करते चले जाएंगे, 1 आएगा 270, फिर इसमें से लेस करेंगे तो 148 मिलेगा हमें। और फिर इसके बाद 272 आपका ये यहाँ पर लिखा 481 बन जा 481, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो आपका आया 148। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहता है, सिंपल सा काम कहती है स्टूडेंट्स देखिए, 12576 इज इक्वल टू 4052 इनटू 3 एंड प्लस में रिमाइंडर। हमने बेसिकली इसी थ्योरम का यूज किया, दिस इनटू दिस एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस। सेकंड आपका फिर दोबारा से इसमें यही प्रोसेस आपको देखना है, 4052 इज इक्वल टू 420 इनटू में 9 प्लस में 3780। अब आपका जो है इसमें फिर थर्ड में यही होगा, 420 इज इक्वल टू 272 इनटू में 1 प्लस में 272 इज इक्वल टू 148 इनटू में 1 प्लस में 124। नाउ अनदर वन, 148 इज इक्वल टू 148 इज इक्वल टू 124 इनटू 1 इज इक्वल टू 20 सॉरी प्लस 24। नाउ 124 इज इक्वल टू 24 इनटू में 5 प्लस 4। लास्ट वन इज 24 इज इक्वल टू 4 इनटू में 6 प्लस में 0। आपने देखा यहां पर हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, तो हमारा जो डिवाइजर है वो इसमें क्या है, 4 है। और इस तरीके से जो हमारा HCF आया, HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया वो 4 आया, जो आपका HCF है। अब आप इसको एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 सेकंड में आपको फिर बताते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स। एग्जांपल कहता है आपका, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो बेटा ये थोड़ा theoretical है, आपको पता है मैथ में थोड़ा theoretical part जो होता है वो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, तो फिर भी इसको देखते हैं। solution, let a be any positive integer and b is equal to 2। तो इसमें क्या है आपका कि हमें ये पता 2 कहां से आया है, जो b है आपका, क्योंकि कोई इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइजिबल होता है, तो हम इसको 2 लिखकर जो है इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 2a
एंड क्यू, अगर हम डिवाइड करते हैं ए को तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है आर, और रिमाइंडर कितना आ सकता है आप सबको पता है, जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, क्योंकि ये रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइजर होता है उससे कम होता है। तो अब ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस आर, ये ई डी ए फॉर्म आपको पहले बताया था एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, हमें ये थ्योरम है हेयर आर इज इक्वल टू जीरो एंड वन। Therefore, A is equal to, अगर हम इसमें R की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2Q plus 0, तो 2Q लिख सकते हैं, अगर इसमें 1 पुट करते हैं 2Q plus 1 आ जाएगा। तो 2Q is a positive even number, तो 2Q इसमें क्या हो गया आपका positive, since 2 is a factor, क्योंकि 2 इसमें factor है। अब हम आगे देखते हैं 2Q plus 1, तो जब इसको किसी भी तरीके से देख सकते हो, जब आप odd इवन नंबर में वन ऐड कर रहे हो तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है ऑड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एग्जांपल नंबर टू है। अब हम जो है एग्जांपल नंबर थ्री के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 एंड 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बस हमें क्या डिफरेंस लाना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 4 बी, देयरफॉर बी 4 से अगर ए को डिवाइड करेंगे तो क्यू कोशेंट आएगा और यहां पर आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर हमने क्या बताया था आपको कि डिवाइजर से क्या होता है छोटा होता है स्मॉल होता है, तो 0 1 2 3। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू 4q plus r 4 * q plus r here r is equal to 0, 1, 2, 3. Therefore, a is equal to 4q. वही r में क्या करना है, पहले 0 put करना, 0 put करोगे तो बेटा क्या आएगा 4r आएगा, और अगर 1 put करोगे इसके अंदर तो 4q plus 1 आएगा, और अगर आप इसमें 2 put करोगे तो 4q plus 2 हो जाएगा, और अगर आप इसमें 3 put करोगे तो बेटा क्या होगा आपका 4q plus 3। तो therefore a is odd integer, a cannot be of 4q or 4q plus 2 form। तो इसमें हमें देखना है क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखना है odd integer देखना है। तो odd integer इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी है, तो a cannot be of 4q or 4q plus 2 form because they both divisible by 2, दोनों में से क्या आता है 2 कॉमन आता है या 2 से डिवाइड होते हैं। therefore any odd integer is of 4q और 4q plus 3, जब ये दोनों आपके इवन नंबर्स हैं या odd नहीं है तो बाकी जो दो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके ये और ये जो डिजिट्स हैं ये आपके हो जाएंगे odd नंबर्स, ठीक है। तो बेटा आपके जो है फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट आपकी खत्म हो चुकी है। इसमें आपको एक एग्जांपल फोर्थ भी जो है उसमें आपको 420 काजू बर्फीज हैं, 130 बादाम बर्फीज हैं, तो आप इसका नॉर्मली एचसीएफ निकाल कर इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो, तो थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अब अगर आपको जो है होपफुली मुझे लग रहा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी जो है वैल्यूएबल या प्रीसियस कमेंट जरूर दीजिए।